कंक्लूजन ऑफ द भगवद गीता, मैं आपको भगवद गीता के थोड़े थोड़े से पहलुओं से परिचित करा रही हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान ने टोटल हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बारे में चर्चा की कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा के लिए कार्य करो। तो आत्मा के लिए कार्य करने के लिए आगे बताया क्या कर्म करना है। बी इन माई चेतना, मेरी चेतना में रहो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहो, कृष्ण की चेतना में रहो, कृष्ण को कभी ना भूलो। मन भवा मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी चर्चा करो, मेरे बारे में मेरी ग्लोरीज को फैलाओ, मेरी चर्चा करो। सो आप कहोगे कि भगवान अपनी चर्चा की बात करते हैं, मेरे बारे में सबको बताओ। क्यों? क्योंकि हरि कृष्ण की वाणी जो है वो हमारे हृदय को पवित्र करती है, साफ करती है। गुरबाणी कहती है, ग्रंथ साहब कहती है, अमृत वाणी हर हर तेरी, अमृत है वाणी हरि, तुम्हारी वाणी अमृत के तुल्य है। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी, अमृत है तुम्हारी वाणी और सुन सुन के मेरी परम गति हो रही है। सो हमारी परम गति निश्चित है, हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष निश्चित है अगर हम हरि की चर्चा करते हैं, अगर हम हरि का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो हरि का नाम लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो उस अमृत तुल्य वाणी का श्रवण करते हैं। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। गुरबाणी कहती है, मैं ना करूं दर्शना, जो जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। सो कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी, जो नारायण नहीं बचते, जो कृष्ण का नाम नहीं लेते, जो उस हरि का नाम नहीं लेते, उनके मैं दर्शन भी नहीं करना चाहता क्योंकि उनके दर्शन भी हमारे मन को पल्यूट करते हैं, उनके दर्शन भी हमें कंटामिनेट करते हैं। हमें पापों से मुक्त होना है, हमें शुद्ध होना है। सो शुद्ध होने का एक ही रास्ता है, उस हरि का नाम लेना, उस भगवान का नाम लेना, उस भगवान पर विश्वास रखना। तभी भगवान ने कहा, माँ शुचा सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे। सब चीज़ों से अपने आप को, अपनी सारी ड्यूटीज़, अपने सारे हर प्रकार के स्वभाव को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण का अर्थ है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा जीवन जियो, मुझे हमेशा याद रखो, मुझे कभी मत भूलो। अंतिम घड़ी में तुम जो कर रहे होगे वैसा ही, जैसी तुम्हारी चेतना होगी वैसा ही शरीर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। भगवान ने एक एक कर सारे राज खोल दिए। He has solved all the mysteries in Bhagavad Gita. जो जो हमें समझना है Bhagavad Gita में भगवान ने हर मिस्ट्री को खोल दिया, हर मिस्ट्री हमारे सामने भगवान ने क्लियर कर दी कि अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, अपने पापों से मुक्त होना है, पहले तो अपने पापों से मुक्त होना पड़ेगा मुझे प्राप्त करने के लिए। और जो जो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसे अंतिम घड़ी में मुझे याद रखना होगा। तो अंतिम घड़ी में आप कहोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, हम याद कर लेंगे भगवान को अंतिम घड़ी में। अभी तो हमें जीने दो अपना जीवन, हम अभी क्यों शरणागति दें, अभी को सरेंडर करें, अभी तो हमें अपना जीवन जीने दो। पर यही हम मूर्खता कर जाते हैं क्योंकि अंतिम घड़ी किसी ने देखी नहीं है। अंतिम घड़ी कोई नहीं जानता कब आएगी, अंतिम घड़ी कैसी होगी कोई नहीं जानता। कोई एक पैटर्न सेट नहीं है कि हमें अंतिम घड़ी हमारी बुढ़ापे में आएगी, अंतिम घड़ी कोई पैटर्न सेट नहीं है कि हमें वही फलानी बीमारी होगी या हमें कुछ नहीं होगा, हमें हार्ट अटैक ही होगा। कोई नहीं जानता उसकी अंतिम घड़ी कैसे होने वाली है। हमें क्या करना है, हमें अंतिम घड़ी में भगवान को याद रखना है। पर अंतिम घड़ी भगवान कहते हैं मैंने किसी को बताई नहीं है कब आएगी। तो हमें इसका अर्थ क्या है कि हर समय भगवान को याद रखना है। अंतिम घड़ी का अर्थ हमारे लिए, भक्त के लिए हर क्षण अंतिम है। भक्त डरता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु जब उसकी आएगी तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए वो मृत्यु को वेलकम करता है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ, क्योंकि वो जानता है भक्त के लिए मृत्यु का अर्थ है भगवान। और जो भक्त नहीं है, दो ही प्रकार के जीव होते हैं, ये भी भगवान ने गीता में क्लियर कर दिया, तीसरा कोई है ही नहीं। एक होता है भक्त और दूसरा होता है अभक्त। और जो भक्त है वो भगवान को शरणागत है, जो अभक्त है वो भगवान की विपरीत दिशा में चलता है। उसका खाना पीना रहना सोना हर चीज़ भगवान से विपरीत है। भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया, जो अभक्त है वो उसमें क्या गुण होंगे, जो भक्त है उसमें क्या गुण होंगे, वो क्या खाता होगा, कैसे बैठता होगा, ये सब अर्जुन के प्रश्न थे जो भगवान ने उत्तर दिए। तो अर्जुन और भगवान का संवाद है भगवत गीता, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। अर्जुन के प्रश्न है, भगवान के उत्तर है जो भगवान ने गा कर दिए। भगवान बहुत बड़े पोएट हैं, इज द बिगेस्ट पोएट। इसीलिए कहा गया है जब हम भक्ति करते हैं तो जो भक्त होता है उसमें वो गुण आ जाते हैं, वो भी पोएट बन जाता है क्योंकि ये भगवान के साथ जुड़ रहा है। तो हम जिसका जिसके साथ जुड़ते हैं, जैसा संग करते हैं वैसा रंग हो जाता है।
सो जब हम भगवान से जुड़ रहे हैं तो भगवान अपना रंग देते हैं, और भगवान का रंग कहाँ आता है? भक्तों के संग में। जब हम सत्संग करते हैं तो वो क्या है? वो भगवान का रंग है। तो सत्संग में रहने का अर्थ है भगवान का संग करना।